नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे उपनल कर्मियों के मामले में। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। सैनिक कल्याण विभाग ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। नियमितकरण समान वेतन पर हाईकोर्ट ने दिया था फैसला। फैसले के खिलाफ SLP निरस्त करने के मामले में याचिका की गई दाखिल। हाईकोर्ट ने उपनल के जरिए कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को दिए थे आदेश। 1 साल के अंदर नियमित करने और न्यूनतम वेतन देने के भी दिए गए थे आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फैसले के खिलाफ SLP निरस्त करने के मामले में याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। विभाग की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने उपनल के जरिए कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए आदेश राज्य सरकार को दिए थे। ये कहा गया था कि 1 साल के अंदर नियमित किया जाए और साथ ही न्यूनतम वेतन भी दिया जाए। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अब जो विभाग है वो सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है? जी बिल्कुल विशाल, सैनिक कल्याण विभाग अब उपनल कर्मचारियों का जो मामला था उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। बात 12 नवंबर 2018 की, जब हाईकोर्ट एक आदेश जारी करता है जिसमें उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण समान कार्य के बदले समान वेतन जारी करने का वो आदेश था। लेकिन अब उस आदेश का बदले हाईकोर्ट की जो आदेश है उसके बदले सैनिक कल्याण विभाग की SLP निरस्त करने के मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है और उसमें ये कहना है कि नियमितीकरण एक अस्थायी व्यवस्था है और ऐसे में अगर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसका आर्थिक बोझ उठाने पड़ेगा, इसके लिए ये SLP जारी की गई है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया था राज्य सरकार को? जी बिल्कुल विस्तार, हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को ही ये फैसला दिया था कि नियमितीकरण किया जाए और समान कार्य के बदले समान वेतन उपनल कर्मचारियों को दिया जाए। लेकिन 2018 के बाद से अभी तक जो है उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं वेतन की समस्या से भी उपनल कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में उपनल कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है आप? जी बिल्कुल विशाल, उपनल कर्मचारी महासंघ ने जिस प्रकार से परसों राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया था और उसके बाद अब आगे ये कहना है कि जब तक समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल जाता, जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तो एक विशाल आंदोलन अब राज्य सरकार को देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अव्यवस्थाओं का सामना राज्य सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थिति प्रदेश की है। पर्वतीय प्रदेश में जो सरकारी कार्य है उसमें उपनल कर्मचारी एक सरकारी कार्य को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकपर्व इगास पर सीएम आवास पर सादगी से इगास का पर्व मनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की भी कामना की है। इसके बाद सीएम धामी ने भी इगास पर भैलो खेला। साथ ही सीएम ने कहा है कि लोक संस्कृति और लोक परंपरा देवभूमि की पहचान भी है। इस लोकपर्व को जन जन तक पहुँचाने के लिए सार्वजनिक अवकाश की भी परम्परा शुरू की गई है। लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास पर्व पर कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा है कि जैसा गरबा और दुर्गा पूजा सबके चहीते पर्व हैं, उसी तरह वो इगास को भी लोकप्रिय पर्व बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि उनके निमंत्रण पर दिल्ली में इगास के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखें और हमारी संस्कृति को देखें और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीजें बोली हैं। एकादशी का इसको रूप माना जाता है, यहाँ हम इगास कर रहे हैं। पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं। ग्यास से इगास हो गई। जिस दिन पता लगा था भगवान राम का उस दिन एकादशी थी और जिस दिन जो हमारे सैनिक वहाँ तिब्बत में करने गए थे
और त्योहार नहीं मना पाए थे, तो इसी दिन वो पता लगा कि भाई वो वापिस आ गए, तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसका नाम एकादश दे दिया। इसको पर्व से बहुत खुशी से जो है मनाते हैं। मसूरी में बीजेपी मंडल और व्यापार संघ के एक होटल के सभागार में एकादश का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद ग्यारोला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर ढोल दमाऊ के साथ पारंपरिक नृत्य भी इस दौरान क्या क्या है और भैलो जलाकर प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की गई। वहीं राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद ग्यारोला ने सभी प्रदेशवासियों को एकादश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि एकादश पर्व खुशहाली और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। जी का सोल बैठकर स्वागत करेंगे। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि राजू जी भी, सतीश भाई भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। डॉक्टर जी हूँ, उनियाल जी हूँ, सबसे ये बुद्ध भगवान का यह पर्व, इगास का महापर्व, हमारा लोक पर्व, बहुत प्राचीन समय से हमारी परंपराओं में, हमारे मूल्यों में जीवित था। आज उन्हें एक नए स्वरूप में, नए कलेवर में यह उत्सव के रूप में हमारे साथियों के द्वारा, आज मसूरी मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। हमने पहले भी मनाया है, पर एकादश का पर्व इसलिए महत्व करता है कि हमारा पारंपरिक पर्व है, उत्तराखंड का पहाड़ का पारंपरिक पर्व है, और इस पर्व को मनाना पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक गर्व की बात है, और इस पर्व को हमें पूरे भारतवर्ष में ले जाना है, पूरे विश्व में ले जाना है, और इस पर्व की महत्वता को जन जन तक पहुंचाना है, इसी उद्देश्य से हमने आज ये कार्यक्रम कराया। चंपावत में आयोजित 3 दिवसीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का मंगलवार को समापन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा है कि भाषा सम्मेलन से कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के दौर में बोली भाषाएं पीछे छूटती जा रही हैं। बोली भाषाओं से भावी पीढ़ी को समृद्ध और गौरवशाली परंपरा से परिचित कराने की भी जरूरत है। वहीं सम्मेलन में आयोजकों ने कुमाऊनी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग उठाई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर देर रात देहरादून शहर में बारों में छापेमारी की गई। जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी ने एक साथ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने शहर में संचालित बियर बार और पब के निर्धारित समय के बाद भी शराब परोसे जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की बात कही थी। जिला प्रशासन की टीम जिला अधिकारी के निर्देश पर रात 11 बजे जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से छापेमारी के लिए रवाना हुई। देर रात तक पब में शराब बेचे जाने को लेकर कई पबों और बियर बारों पर जुर्माना लगाया गया, साथ ही सीलिंग की भी कार्रवाई की गई। चंपावत जिले के टनकपुर चुका सीमा क्षेत्र के एंगलिंग बीट में एंगलिंग के नाम पर काली नदी में संरक्षित दुर्लभ गोल्डन महासीर प्रजाति की मछली का शिकार किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मत्स्य और वन विभाग ने राजस्थान के एंगुलर पर महाशीर मछली को मारने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर भी दी है। पीएम श्री राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज जोशीमठ के लिए एथलेटिक्स और एशियाई शीतकालीन खेलों के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता छात्रा महक पिछले कुछ सालों से शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में आधा दर्जन से अधिक गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन कर चुकी हैं। वहीं इस बार महक कवान का चयन आगामी फरवरी 2025 में चीन में होने जा रहे विंटर एशियाड खेलों में देश की ओर से भी नाम गया है।
अभूतपूर्व सफलता के लिए बहुत ज़्यादा हर्ष से ओतप्रोत हैं। संपूर्ण विद्यालय परिवार बालिकाओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नरत रहता ही है। विशेष आभार हमारी कविता मैम जो हैं, हमारी यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की टीचर हैं हमारी, तो व्यायाम शिक्षिका कुमारी कविता का विशेष सहयोग है। ये अपने स्कूल टाइम के अतिरिक्त सुबह और शाम जेपी मैदान में, रविग्राम में जो मैदान है हमारे विद्यालय के पास का जो मैदान है, वहाँ पर बच्चों की प्रैक्टिस करवाती हैं, और उसी का परिणाम है कि कुमारी महक और कुमारी सृष्टि जो हैं गोल्ड लेकर आई हैं। सारे जोशीमठ ब्लॉक, सारे उत्तराखंड के लिए हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाले पल हैं। इनका जो तैयारी का सेशन रहा था वो मैंने मॉर्निंग और इवनिंग में फिक्स किया हुआ था, तो मॉर्निंग में 2 आवर्स इनका जेपी ग्राउंड में चलता था, साथ में यहाँ पर आर्मी एरिया है तो हील एरिया है, तो मैंने वहाँ का भी ट्रेनिंग सेशन इनका मतलब वीकली इंक्लूड किया हुआ था। और इवनिंग का भी क्या है, इनका 2 आवर का सेशन चलता था जिसमें हम इसमें लाइट वर्कआउट देते थे, मतलब मॉर्निंग में हैवी वर्कआउट है और इवनिंग में क्या है, लाइट वर्कआउट है। तो इसका जो बेनिफिट है हमें अभी जो स्टेट पंतनगर में आयोजित हुआ उसमें मिला, तो इसमें जो है कुमारी महक ने 200 मीटर में फर्स्ट प्लेस हासिल की है जिससे वो नेशनल खेलने जाएगी, और कुमारी सृष्टि ने 800 मीटर में फर्स्ट प्लेस हासिल की है जिससे वो आगे नेशनल खेलने जाएगी। और संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से खेलों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं खेलों में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड का ये सरहदी छोर पे आखिरी विद्यालय जो है PM3 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जोशीमठ के नाम से, और यहाँ की जो दो बालिकाएं, आप इन्हें गोल्डन गर्ल भी कर सकते हैं, इन्होंने जो है जो राज्य स्तरीय एथलेटिक्स अभी शिक्षा विभाग की हल्द्वानी के पंतनगर में हुई थी, इसमें विषम परिस्थितियों में जो तैयारियों के करने के बाद जो है 200 मीटर 800 मीटर और लॉन्ग जंप में मेडल हासिल, बकाए थे 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके जो पूरे प्रदेश में जो है चमोली जनपद सहित जो जोशीमठ क्षेत्र है उसकी पहचान बनाई है। और आज जो है जो ये विद्यालय है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जोशीमठ, इसका नाम जो है एथलेटिक्स सहित जो विंटर गेम्स में सबसे आगे लिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो एशियाड होने, विंटर एशियाड जो चाइना में अगले वर्ष 2025 फरवरी में होने को, तो इसमें भी जो महक है अभी जो राष्ट्रीय चैंपियन है अल्पाइन स्कीइंग की, तो इनका भी चयन एशियाड विंटर एशियाड में जो है भारतीय टीम के लिए हुआ है, और ये बड़ी गौरव की बात जो है पूरे राज्य के लिए है कि सीमांत क्षेत्र के इतने दूरस्थ क्षेत्र की बिल्कुल छोटे से मध्यम वर्ग परिवार की छात्रा जो है राजकीय बालिका कॉलेज जोशीमठ के महक कवान है, और आज जो है अपने बलबूते पे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी चीन में जो एशियाड चल रहे हैं, तो इसको लेकर के क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले में जो है खुशी का माहौल है, इनके अभिभावक भी काफी खुश हैं, और विशेष तौर पर जो इनकी कोच हैं कुमारी कविता और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं इनके ही मार्गदर्शन में ये बेटियां जो है आज राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ये मुकाम बनाने में कामयाब हुई है, और जिसको लेकर के पूरे राज्य में जो है आज खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड सहित दुनिया के उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले खूबसूरत पक्या के पेड़ का वैज्ञानिक नाम प्रूनस सेरासोइड्स है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में होने वाले इस वृक्ष को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। वृक्षों को पुराणों एवं उपनिषदों में धार्मिक आधार पर देव वृक्षों की संज्ञा दी गई है, लेकिन जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि अब देव वृक्ष बहुत कम ही बचे हैं और ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। जो वृक्ष है इसकी जो खाल होती है इसका बॉयल करके इसका एक पेस्ट बनाते हैं लुगदी जैसा, फिर इसमें जैसे जानवरों के या पुराने ज़माने में जब उनकी कभी चढ़ते समय हड्डी उड्डी में कभी चोट आ जाती थी तो उसको उसको बांधते थे, बाहर से लकड़ी लगा के रस्सियों से लपेट देते थे, उससे उनकी हड्डियां सेट हो जाती थी। और जो इसका एक राल भी बनता है जो गोंद रेजिन कहते हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। छाल और पत्तियों को मिलाकर नेचुरल कलर बनता है और उसको कपड़े कुपड़े भी डाइयों में भी काम करते हैं। और ये पदम भी बोलते हैं, इसकी लकड़ी जो है चंदन की तरह पवित्र मानी जाती है और इसका हवन सामग्री में और पूजा में भी उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में विलुप्त हो रहा है देव वृक्ष पैया।
3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर होता है पहिया। पहिया वृक्ष को लेकर पर्यावरणविद चिंतित। उत्तराखंड सहित दुनिया के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले खूबसूरत पहिया के पेड़ का वैज्ञानिक नाम प्रुनस सेरासोइडिस है। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाके में होने पर इस वृक्ष को लेकर कई मान्यताएं हैं। वृक्षों को पुराणों एवं उपनिषदों में धार्मिक आधार पर देव वृक्षों की संज्ञा दी गई है, लेकिन जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि अब देव वृक्ष बहुत कम ही बचे हैं और यह धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। देव वृक्ष पहिया, पहिया के बगैर जो है हमारा कोई भी धार्मिक कार्य जो है सफल नहीं हो सकता। और पहिया जो है वो ऐसा वृक्ष है कि जो जल सबसे पहले जो वृक्ष जो है बसंत ऋतु में जो है सबसे पहले जो है पल्लवित और पुष्पित होता है। और कोई भी देव कार्य हो, यज्ञ हो, हवन हो, चूड़ा कर्म हो, अन्न प्राशन हो, मुंडन हो, शादी हो, विवाह है, उसके बगैर जो है हमारा कोई भी काम धार्मिक कार्य सफल होना असंभव है। बाकी तो अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, लेकिन पहिया का जो है हमारे उत्तराखंड में देव वृक्ष के रूप में मानते हैं। और उसके जो जब सूखने के बाद जो है उसके डंडे जो हैं हम लोग आत्मतोल में भी उसका प्रयोग करते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसके बगैर जो है आप आत्मतोल नहीं कर सकते। धार्मिक आस्था का प्रतीक है पहिया। रीति रिवाजों से है पहिया का संबंध। चंदन की तरह पवित्र माना जाता है पहिया। शादियों में शाखाओं पत्तियों का इस्तेमाल। उत्तराखंड में धार्मिक आस्था का प्रतीक माने जाने वाले पहिया के पेड़ का सीधा संबंध सांस्कृतिक रीति रिवाजों से भी है। शादियों में प्रवेश द्वार पर पहिया की शाखाएं लगाई जाती हैं। इसके अलावा शादी का मंडप भी पहिया की शाखाओं और पत्तियों के बिना अधूरा माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से पहिया का बड़ा महत्व है। पहिया की लकड़ी को चंदन के समान पवित्र माना जाता है। हवन में पहिया की लकड़ी का इस्तेमाल पवित्र माना जाता है। पहिया की पत्तियों वाली डाल को पवित्र मानकर इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है। जिस तरह शहर में लोग आम की पत्तियों की माला घर के द्वार पर गृह प्रवेश या हवन इत्यादि के बाद लगाते हैं, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में इस पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। जिसको हम पहिया कहते हैं, इसका नाम पद्माक्ष भी है और पद्माक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसका बॉटनिकल नेम जो वानस्पतिक नाम होता है प्रुनस सेरासोइडिस है। और ये इसका जो साइंटिफिक इसको कंजर्वेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जब जहाँ जहाँ गांव गांव में जहाँ जहाँ रोड बननी है वहाँ वहाँ ये अक्सर हमारे ये अक्सर जो गांव के आसपास होता था। और इसके जो है इसके शिक्षण के लिए लोग आगे आते थे पहले, क्योंकि उनको हर काम में जैसे मांगलिक कार्य जो भी होते थे उन मांगलिक कार्य में इसकी आवश्यकता होती थी और गाँव के लोग इसका शिक्षण करते थे। परंतु रोड बनने से इनका काफ़ी हास हुआ है और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टिपिकली जो है जनरेट होता है, इसका जो है जर्मिनेशन होता है, इसका अंकुरण होता है। तो इसका जो जो इसका हास होने का कारण है, यही कारण है कि ये जो है इसका जो सड़कें गई हमारी या जिस जो इसका जो यूज तो वहाँ पर इसका कंजर्वेशन भी कोई बात नहीं हुई। तो ये इसका इसको हम घरों में अभी भी जो है जो लोग अभी भी जो बैल होते थे या जानवर होते थे उनमें भी हम इसकी लठियों को बना के यूज करते थे उनको मारने के लिए, हाँकने के लिए। और वो लठियाँ घाव नहीं देती थी, घाव नहीं, क्योंकि इसके जो बाहर से बार्क होती थी वो बार्क जो थोड़ा स्पंजी होती और स्पंजी होने के कारण ये घाव नहीं देती थी जानवरों को। और इसका तुलादान में भी इसका यूज है और इसका स्किन डिजीज भी, जो सेरासोइडिस नाम है तो पूर्ण सेरासोइडिस नाम है, तो ये जो सोराइसिस है या स्किन डिजीज है या जो हमारे टॉन्सिल्स हैं स्किन के जो डिसऑर्डर्स हैं इनको भी ठीक करती है। पहिया के पेड़ और फलों से काफ़ी फायदे। पेट संबंधी बीमारियों में फलों से फायदा। दर्द से राहत देता है पेड़ की छाल का रस। पहिया आदिकाल से ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों व अन्य उपयोगी वनस्पतियों के भंडार के रूप में विख्यात है। पहिया के फल एस्ट्रिंजेंट होते हैं। पहिया के फलों का सेवन पेट की कई समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद बताया गया है। पके फलों का सेवन पाचन तंत्र को ठीक रखने में मददगार माना गया है। पहिया के पेड़ की छाल का रस कमर दर्द के लिए लाभकारी माना गया है। पहिया के फूले वृक्ष लीन पीरियड में मधुमक्खी पालन वालों के लिए लाभकारी माने गए हैं। पहिया के बीजों से प्राप्त किए गए तेल को फार्मास्यूटिकल पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। पहिया के सूखे बीजों का इस्तेमाल बीड्स नेकलेस बनाने में भी किया जाता है। पहिया की पत्तियों का इस्तेमाल गाय बकरियों के सूखे बिछौने के रूप में भी किया जाता है।
जो आगे चलकर उर्वरक शक्तिदायक खाद का भी काम करती है। एक रिसर्च चला रहे हैं, ये दुर्लभ जाति की जो वनस्पतियाँ हैं इनके लिए आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप वंदनीय है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में इन वृक्षों को जीवन रक्षण वृक्ष कहा जाता है। ये हमको ऑक्सीजन के साथ साथ हमें आध्यात्मिक और प्रेरित करे। इन वृक्षों के नीचे अगर जब हम कोई जप अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो उसका हजारों गुण फल माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो जैसे कि आप चर्चा कर रहे हैं कि पया का वृक्ष हो गया, तो हमारे इस उत्तराखंड में यह पया का जो वृक्ष है इसके विषय में बताया गया है कि ये देव वृक्ष है। जैसे कि पीपल हो गए, आम हो गए, बट हो गया, बिल्वपत्र हो गया, ये जो पारिजात हो गया, पद्माक्ष हो गया, इन वृक्षों की श्रेणी में पया भी आता है। जब हमारे कुंडली में कभी ऐसा काल सर्प योग या ऐसा मृत्यु योग इत्यादि बनते हैं, विशिष्ट ग्रह जब पीड़ित करने वाले होते हैं, तो हमारे यहाँ तुलादान का भी एक विधान है कि तुलादान से अन्न में जो है हमारा जो है वो सारा दोष निवृत्त हो जाता है। पया को अंग्रेजी में कहते हैं हिमालयन वाइल्ड चेरी। 3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई पर उगते हैं पेड़। पया के फूलों से देवी देवताओं की होती है पूजा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में पाए जाने वाला देव वृक्ष पया, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रुनस सोराइडेसिस है और पुराणों में से पद या पद्मक कहा जाता है। लगभग 3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई पर उगने वाले इस पौधे के बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब सर्दियों में अन्य सभी पौधों की पत्तियां सूखकर गिरने शुरू होती हैं, तो उस समय इस पौधे में फूल लगने शुरू होते हैं और वसंत ऋतु तक इसके फूलों से देवताओं की पूजा की जाती है। देवभूमि उत्तराखंड में इसका खिलना भारी शुभ माना जाता है। यहाँ एक ऐसा वृक्ष है जो कि उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की जो भी धार्मिक कार्य होते हैं जिसमें उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो है समय के साथ साथ जो पया वृक्ष है वो विलुप्त कगार पर है और हमें और सरकार और सभी को मिलकर उसको एक बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज जो है चाहे वो हमारे सांस्कृतिक पारंपरिक सांस्कृतिक और ये जो हमारे अनुष्ठान है उसमें पया का हम प्रयोग करते हैं और जो है बच्चों का या किसी का भी जो है तोल होता है, पहले जो गाँव में अन्न तोल या बच्चों का तोल होता है तो उसमें पया के वृक्ष का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और पया आज ही नहीं पौराणिक काल से जो है हमारी संस्कृति और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होता आया है और आज उसको बचाने की हमें सख्त जरूरत है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक इतिहास में इस पौधे पर कई गीत लिखे गए हैं, पर दुखद विषय यह है कि बढ़ते विकास के दौर एवं जलवायु परिवर्तन के कारण यह देव वृक्ष आज विलुप्ति की कगार पर है। अगर समय रहते इसका संवर्धन नहीं किया गया तो जल्द ही यह पौधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।